स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 7 फरवरी के लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं तथा आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीलांबर आचार्य भारत में किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मतलब बताना है कि जो नीलांबर आचार्य हैं ये भारत में नियुक्त किए गए हैं और इनका देश कौन सा है, मतलब ये कौन से देश से हैं। तो इसके लिए सही उत्तर है ये नेपाल के हैं। अब ये नेपाल के हैं और इनको भारत में अभी एक राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि इससे पहले ये नेपाल के कानून मंत्री रह चुके हैं और इनको शपथ दिलवाई थी यहाँ के नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। थोड़ा सा नेपाल के बारे में बता दें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़क प्रसाद ओली और यहाँ पर मुद्रा है यहाँ की रुपया, मतलब कि यहाँ का जो इंडिया का रुपया है यहाँ पर भी चलता है या फिर इसको नेपाली रुपया भी कहते हैं। यहाँ का जो पर्यटन स्थल है नेपाल का ये है पशुपतिनाथ मंदिर और नेपाल में आज भी हिंदुओं की जनसंख्या बहुत अधिक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने विपक्षी नेता युआन गुआइडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी है। तो ये बात हो रही है कौन से देश की, अगर आपको उत्तर पता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला में युआन गुआइडो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी गई है और जो वेनेजुएला है इसकी राजधानी है काकारस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी निकोलस और यहाँ का जो मुद्रा है वो है वेनेजुएला बोलिवर। ये हो गया वेनेजुएला के बारे में पूरी जानकारी। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस शहर में न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है। तो आपको पता होगा कि जो इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है रंजन गोगोई। तो आपको बताना है कि इन्होंने कौन से शहर में एक न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए सही उत्तर है अमरावती में। अब अमरावती कहाँ है, तो अमरावती है आंध्र प्रदेश में और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एम चंद्र बाबू और यहीं पर जो रंजन गोगोई हैं उनके द्वारा एक न्यायिक परिषद का उद्घाटन किया गया है। थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें तो इसकी राजधानी हैदराबाद या फिर अमरावती है बन रहा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है विशाखापट्टनम। यहाँ की जो भाषा है वो है तेलुगु। राज्यपाल की बात कर लें तो यह है श्री लक्ष्मी नरसिंहन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी तथा सबसे बढ़िया उत्सव है नवरोज। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत को जानो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा भारत में जानो कार्यक्रम, तो ये क्वेश्चन है और आपको बताना है मंत्रालय का नाम, तो ये है विदेश मंत्रालय। अब आपको विदेश मंत्रालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इस समय हमारी विदेश मंत्री हैं श्रीमती सुषमा स्वराज। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय और किसने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बात हो रही है पोलैंड के साथ, तो ये है हमारा एक मंत्रालय और ये है कोयला मंत्रालय। तो कोयला मंत्रालय ने हाल में ही पोलैंड से मिलकर एक समझौता किया है और जिसके तहत ये किया गया है कि इसके साथ समीक्षा की जाएगी कि आपसी सहयोगों को किस तरह बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि सेन काकू द्वीप निम्न में से किन दो देशों के बीच में विवादित है। सेन काकू द्वीप, तो ये है जापान तथा चीन के बीच और द्वीप का नाम है सेन काकू द्वीप। अब जापान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है शिंजो एबे और यहाँ की मुद्रा है एन। उसी तरह चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनफिंग।
अगला क्वेश्चन है कि आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपको बताना है सीधे उस शहर का नाम, तो ये है सही उत्तर गुवाहाटी। अब गुवाहाटी कहाँ है? तो ये है असम में। अब आपको थोड़ा सा असम के बारे में बता दें, तो असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ की जो राजभाषा है वो है असमिया, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनेवाल जो कि बीजेपी के हैं, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है ब्रह्मपुत्रा। तो ये हो गया असम के बारे में पूरी जानकारी। अगला क्वेश्चन कि किस देश के प्रिंस एल्बर्ट द्वितीय 5 फरवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति के साथ मिले? तो आपको बताना है कि ये कौन से देश के हैं। तो ये हैं मोनाको के, जो प्रिंस एल्बर्ट द्वितीय हैं ये मोनाको के, और ये भारत के राष्ट्रपति से मिले हैं कब? 5 फरवरी 2019 को। अब जो मोनाको है इसकी राजधानी भी मोनाको है, और यहाँ पे जो मुद्रा यूज की जाती है ये होती है यूरो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने बिग बैश T20 लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपको बताना है उनका नाम। तो उनका नाम है ब्रेडन मैकुलम। अब इन्होंने T20 लीग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये है न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जोसिदा अर्डन। यहाँ की जो मुद्रा यूज की जाती है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, और जो ब्रेडम मैकुलम है इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था 27 सितंबर 1981 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इस बार जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या था? तो देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर थीम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बताना है कि इस बार जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? यहाँ बताना है आपको नंबर ऑफ कलाकारों की संख्या, तो ये है 42। 42 कलाकारों को जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद उन्होंने संगीत नाटक अकादमी देने की घोषणा की है, और ये दिया गया है इनको नृत्य वादन तथा गायन के बेहतरीन क्षेत्र के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और आपको बता दें कि आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।